सभी मीडिया कई दिनों से पिछले 6 महीनों से बड़ी उत्सुक थी कि हरियाणा में क्या होगा। इंडिविजुअली सभी मुझसे मिलते रहते थे, मैंने नहीं देखा कि कितनी दूसरी स्टेट में इतना इंटरेस्ट मीडिया ने कभी दिखाया होगा। स्वाभाविक है कि दिल्ली के पास में है तो इसलिए सब का इंटरेस्ट है। दो इम्पोर्टेंट लोगों की अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं आईसीसी से, और दोनों पद अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है और इलेक्शन के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री कुमारी शैलजा जी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, कई विभाग उन्होंने संभाले हैं, नरसिंह राव जी के जमाने से लेकर और यूपीए 1 और यूपीए 2 तक, उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूं। और दूसरे हमारे हरियाणा के सीनियर लीडर जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले 2-3 दफा चौधरी देवीलाल जी को हराकर वो लोकसभा में रहे, वो भी पुश्तनीय कांग्रेसी है, खुद भी उनके पिताजी नेहरू जी के जमाने में इरिगेशन यूनाइटेड पंजाब के रहे हैं और उनके फादर गांधी जी के जमाने में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, तो 4-4 पीढ़ी है। वो सीएलपी के लीडर भी होंगे नए, और बाय वर्च्यू ऑफ सीएलपी लीडर वो विपक्ष के नेता भी होंगे। लेकिन एक और जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको दी है कि सीएलपी लीडर के साथ साथ वो चेयरमैन होंगे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है क्योंकि इलेक्शन के बीच में अब किसी वक्त भी अगले हफ्ते 10 दिन में हरियाणा के इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने जो काम किए थे, चाहे जो पॉलिसी बनाई थी उन्होंने लैंड एक्विजिशन की, या दलितों के लिए उन्होंने विशेष रूप से जो अपने कार्यकाल में 2 प्रोग्राम किए थे, एक तो दलित बच्चा बच्ची जिस दिन से भी स्कूल जाएगी उस दिन से लेकर जब तक वो पढ़ती है या पढ़ता है तब तक उसको या बैकवर्ड का हो उसे स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसी तरह से उन्होंने 3,82,000 दलित फैमिलीज को मुफ्त जमीन दी थी डेवलप करके घर बनाने के लिए, और किसानों वाली जगह है ये स्टेट, यहां सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है अगर स्टेट के एरिया के हिसाब से देखें तो। जितनी किसानों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई थी इतनी कहीं नहीं बनी थी। सबसे ज्यादा उनके वक्त में शुगर केन की कीमत देश में अगर कहीं दी जाती थी तो हरियाणा के अंदर दी जाती थी,
और दूसरी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस थी उनके लिए भी किसानों को सबसे ज्यादा दाम अगर मिलते थे तो हरियाणा में मिलते थे। और पर कैपिटा के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हरियाणा उस वक्त देश में नंबर वन था। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी पूरा नंबर वन था देश में। और जब से बीजेपी की सरकार आई है न तो कोई इन्वेस्टमेंट आई है और न ही वो किसी चीज पे नंबर वन है। उनके वक्त में, कांग्रेस के वक्त में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हरियाणा एजुकेशन का हब बना, स्पोर्ट्स का हब बना, हेल्थ का हब बना। तो ये तमाम चीजें जो हाईलाइट तब नहीं हो पाई, इन तमाम चीजों को देखकर उनको इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम दिया गया है कि वो इलेक्शन की रेख देख करें और इलेक्शन को चलाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों लीडर, बाकी दूसरे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं स्टेट के, जो बहुत अनुभवी हैं बाकी भी, ये सब मिलकर बीजेपी की सरकार का मुकाबला करेंगे। क्योंकि जब से पिछले 5 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, हर फ्रंट पर वो असफल है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बहुत पीछे चली गई है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल ही पीछे चली गई है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके दाम किसानों को मिल नहीं रहे हैं, किसानों की स्थिति सबसे खराब, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ही खराब है। जिस तरह से पिछले 4-5 साल से दलितों के साथ जो स्वभाव बीजेपी की गवर्नमेंट में हरियाणा में हुआ है, कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था। ये तमाम चीजों में मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीम मिलकर, इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेगी और हम प्रयास करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को पराजय देंगे हरियाणा के अंदर। अब वो तमाम चीजें पास्ट की हैं, अब हम फ्यूचर की बात करें। पास्ट में जो कुछ हुआ हुआ, आज से जो कमेटी बनी, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में, हमने दूसरे सीनियर लीडरों से भी बात की है, सब मिलके हरियाणा के सभी लीडर मिलके काम करेंगे। और मुझे विश्वास से हमारा टारगेट है कि हम विजय के और चले। और ये ठीक है विलंब हुआ लिस्ट में, उसमें कोई ये मैं नहीं कह सकता नहीं हुआ, लेकिन हम अब पास्ट को लेके चल नहीं सकते, हमें अब फ्यूचर की बात करनी। वो पास मैं समझ गया, अरे ना टिप समझता हूँ बिल्कुल। आप उनको ही तो दिया इलेक्शन की जिम्मेदारी, वो वापस लाएंगे सही रास्ते अगर भटक गई थी। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें सबकी भूमिका का उपयोग होगा। चाहे वो हमारे भूतपूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट हूं या सीएलपी लीडर हूं, अपने वक्त में उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी भूमिका निभाई है और सबका सहयोग लिया जाएगा। इतनी बड़ी पार्टी में यहाँ किसी को कमी की जरूरत महसूस नहीं पड़ेगी, जो जहाँ जिसका उपयोग होगा उसका जरूर उपयोग होगा। एक मिनट, नहीं
नहीं नहीं नहीं देखें, अभी एक एक सीमा होती है। नॉर्मली तो प्रेसिडेंट 2 या 3 साल की टर्म होती है, तो अभी तो 6 साल उन्होंने मुकम्मल किए। चलिए देखें, अभी तो मैनेजमेंट इलेक्शन इलेक्शन मैनेजमेंट वही चला रहे हैं। चल एक बार में एक व्यक्ति बोले, अभी अभी हम इलेक्शन मैनेजमेंट चला रहे हैं और देखें कि सर अब इलेक्शन की मैनेजमेंट। प्रदीप आपने पूछ लिया, विजयलक्ष्मी उधर पूछ ली सर। मैंने तमाम चीजें बताई ना कि कल तक जिसने जो कुछ किया कहा वो पास की चीजें हैं। आज जो कमेटी बनी है ये फ्यूचर की कमेटी है, और फ्यूचर में कांग्रेस बनाने का और इलेक्शन लड़ाने का दो चीजें मैं बताता हूं। एक कांग्रेस पार्टी को बनाने का, मजबूत करने का, और दूसरा इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन लड़ाने का। ये जिम्मेदारी दोनों शैलजा की जी को और भूपेंद्र हुड्डा जी को दी गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सक्षम है ये दोनों काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया, हरियाणा खत्म हो गया। अब वो देखेंगे, वो इन दोनों से बात करें, वो पार्टी के अंदर वो 15 आज इतना ही। या इट इज लेट, आई एक्सेप्ट दैट इट इज लेट, बट बी लेट देन नेवर। थैंक यू।